कुल्लू जिला की मणिकर्ण घाटी में सुबह के समय अगर बात करें तो मलाना की ऊंची पहाड़ियों में जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है, खासकर अगर बात करें तो पार्वती नदी के रौद्र रूप ने जगह जगह पर तबाही मचाई है। इस वक्त मैं शाट में हूं, जहां पर आप देखते हैं कि मेरे पीछे ये जो पार्वती नदी बह रही है और उसके चलते पूरे एरिया की अगर बात करें तो जहाँ मलाना खड्ड से जो भारी बाढ़ का मलबा ब्यास पार्वती नदी में मिला है, उसके बाद अगर बात करें तो इस नदी, ये पार्वती नदी जो उफान पर थी, जहां पर आप देखते हैं कि नदी के किनारों पर जो है पूरी तरह से यहाँ पर जिस तरह से जो त्रासदी हुई है उसके जो यहाँ पर निशान साफ दिख रहे हैं, ये भवन के किनारे आप देखते हैं कि यहाँ पर ब्यास नदी के किनारे, पार्वती नदी के किनारे जो ये भवन को भी नुकसान होने वाला है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो अभी भी जो है पानी की मात्रा जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब्जी मंडी जो शाट है, शाट सब्जी मंडी के पास ये 3.5 मंजिले जो भवन था वो यहाँ पर ब्यास पार्वती नदी में बह गया है। और उसके बाद अगर बात करें तो लगभग जहाँ 5.5 करोड़ रुपए का नुकसान भवन का हुआ है एपीएमसी कुल्लू को, वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि साग सब्जी मंडी में जो कामकाज है वो भी यहाँ पर प्रभावित हुआ है। और कहीं ना कहीं ये साग सब्जी मंडी की बात करें तो बहुत बड़े भवन यहाँ पर था जिससे इस पार्वती नदी में बाढ़ में ये पूरा भवन जो है वो समा गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर जो है जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर था उसको भी नुकसान हुआ है। और कुल मिलाकर साग सब्जी मंडी की बात करें तो एपीएमसी कुल्लू को जो है करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ आसपास पार्वती नदी के दोनों किनारों पर जो है लोगों की जमीनों को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक बलादी गांव है वहां पर 3 से 4 मकान जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और एक स्कूल भवन भी क्षतिग्रस्त हुआ है। बहुत बड़े स्तर पर लोगों को जो है जमीनों का नुकसान हुआ है, कई जगह पर बगीचों का नुकसान हुआ है। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की अगर बात करें तो ये बरसात की पहली बारिश है कुल्लू जिला में जब इस तरह की त्रासदी यहाँ पर हुई है। और कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना वो फिलहाल मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अगर बात करें तो अभी भी जो हालांकि मौसम फिलहाल अभी जो इस वक्त साफ है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा 3 दिनों के लिए जो अलर्ट जारी किया गया उसको देखते हुए कहीं ना कहीं और ज्यादा नुकसान होने की संभावना जो है यहाँ पर बनी है। आप देखते हैं कि ये जो 3.5 मंजिले भवन यहाँ पर था जो साग सब्जी मंडी का, वो पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है। और उसके चलते जो है साग सब्जी मंडी में जो एपीएमसी की ये बिल्डिंग थी उसको जो है भारी नुकसान हुआ है। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है फिलहाल साग सब्जी मंडी में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, यहाँ पर जो कामकाज चलता था वो भी आज यहाँ पर प्रभावित हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों से अगर फसलों की अगर बात करें तो सुबह के समय जो है यहाँ पर हालांकि कुछ फसलें जो है वो पहुंची थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से जगह जगह पर जो ये रोड कनेक्टिविटी भी बाधित हुई है उसके चलते सब्जी मंडी में जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर भारी नुकसान जो है वो एपीएमसी कुल्लू और साग सब्जी मंडी को हुआ है। न्यूज 18 पर हम आपको लगातार कुल्लू जिला में हुई जगह जगह पर त्रासदी को लेकर अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त हम साग सब्जी मंडी से ही आपको अपडेट दे रहे हैं कि यहाँ पर जो 3.5 मंजिले जो भवन था उसको जो है नुकसान हुआ है। एपीएमसी कुल्लू की अगर बात करें तो एपीएमसी कुल्लू के द्वारा ये बनाया गया था। साथ साथ यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर को भी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र की अगर बात करें तो लोगों की जमीनों को, घरों को बड़ी स्तर पर जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से जो नुकसान का आंकलन है वो यहाँ पर राजस्व विभाग की टीम के द्वारा किया गया है। ऐसा बताया गया कि सुबह यहाँ पर राजस्व विभाग की टीम भी पहुंची थी जिन्होंने यहाँ पर जो नुकसान का आंकलन है वो किया गया है।